एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम करता हूं मैं आप सबका एक और नए ब्लॉग में। तो बहुत दिन हो गया था ब्लॉग बनाए हुए, तो बहुत दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही थी इतने दिनों से, और भाग दौड़ भी बहुत ज़्यादा चल रही थी यहाँ वहाँ। तो कल थी रंगभरी एकादशी यहाँ पर, तो मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं वहाँ ना जा पाया। पर आज है मसान की होली है, तो हम लोग जा रहे हैं सुबह सुबह। आज वहीं सुबह के 10 बज रहे हैं अभी, आज 4 मार्च है। तो चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं और इन्जॉय करते हैं, जो कि यहाँ देखने लायक सबसे अच्छी चीज़ यही होती है। रंगभरी एकादशी भी बहुत अच्छी थी देखने लायक, पर हम जा नहीं पाए उस दिन। पर आज जाएंगे और देख के आते हैं कैसी होती है वो यहाँ की होली एक बार, और आपको भी ज़रूर दिखाएंगे होली। अगर देखिए सुबह मार्केट लग चुका है पूरा। तो आ चुके हम लोग घाटों पर, अब पैदल जा रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ, और वहीं देखेंगे घाटों पर होली है हो रही है कि नहीं आज। दोस्त शिवम चाय की दुकान में नहीं थे। देखिए धूप में कितना खूबसूरत लग रहा है, सारे घाट इतनी तेज धूप है। ये हम लोग विश्वनाथ कॉरिडोर के पास सामने चल रही है मसान की होली, और यही देखने में आए और आपको भी दिखाएंगे आज। मरकड़का घाट पे चल रही होली, चलेंगे और नाचेंगे घाट पे ही। चले चलते घाट पे, ये शमशान में हम लोग जा रहे हैं आज होली खेलने। भोलेनाथ ने कहा है सबसे पवित्र चीज़ जो है धरती पे वो है शमशान, तो आज हम लोग चल रहे हैं शमशान की होली खेलने। जय भोलेनाथ, चल रहा है जय भोलेनाथ। कॉरिडोर सामने देखे चल रहे मरकड़का घाट पे, चलिए चलते हैं पास फिर दिखाते हैं वहाँ पे। Thank you.
थाने की होली खेल के आ चुके बाहर, हालत खराब हो गई है और भीड़ बढ़ती जा रही है। पीछे हमारे काशी विश्वनाथ है कॉरिडोर, मसान की होली खेल के हम लोग आ चुके हैं। चलते अपने रूम पे वापस, भीड़ बढ़ती जा रही है वहाँ। अभी तो आरती शुरू हुई है और हालत वैसे ही बहुत ख़राब हो गई है सर्दी जुकाम के कारण, सांस फूलने लगी थी नाचने नाचते। तो चलते हैं वापस रूम पे, फिर आगे देखते हैं क्या करना है आज। मसान की होली खेल के हम लोग आ चुके हैं वापस अपनी बाइक के पास, और मसान की होली में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ती है। अब तो आरती शुरू हुई है वहाँ, तो वो मैं बता ही चुका आपको। तब यहीं पे करते हैं ब्लॉग को एंड, मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में कुछ और अच्छा नया कंटेंट लेके। इस ब्लॉग को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और तबीयत ख़राब इसलिए आवाज़ नहीं निकल पा रही गले से यार। चलिए कोई बात नहीं, तबीयत नहीं ख़राब होती तो और देर आप लोगों को रुकते और दिखाते पूरी होली। अब चलते रूम पर, नहाते धोते और तैयार होते हैं, फिर जाना है और भी कामों के लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।